नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति सोरेस का 92 साल की आयु में निधन। पिछले दो सप्ताह से अस्पताल में थे भर्ती। सोरेस को पुर्तगाल में लोकतंत्र की स्थापना का माना जाता है जनक। सीरिया में कार बम विस्फोट में 50 लोगों की मौत। तुर्की की सीमा के पास हुआ धमाका। विस्फोट से आसपास की कई इमारत ढही। बचाव कर्मियों ने मलबे से निकाली कई लाशें। चीन ने फिर से किया अपनी समुद्री ताकत का प्रदर्शन। मलेशिया के कोटा किनाबालू में नजर आया चीन का युद्धपोत। युद्धपोत की तैनाती पर चीन ने दी समुद्री डाकुओं से निपटने की दलील। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की आलोचना करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता लापता। प्रोफेसर सलमान हैदर बीती रात आखिरी बार इस्लामाबाद में आए थे नजर। पुलिस प्रोफेसर की तलाश में जुटी। और रूस ने एप्पल गूगल से लिंक्डइन ऐप को हटाने के लिए कहा। सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन पर स्थानीय कानूनों के उल्लंघन का लगाया आरोप। रूसी कानून के मुताबिक किसी इंटरनेट कंपनी को रूस की सीमा के अंदर रहने वाले अपने उपयोगकर्ताओं का पूरा आंकड़ा करना पड़ता है स्टोर। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।